गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि किसी भी पल माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कक्ष में पधारेंगे। हमारी उम्मीदों की, हमारे मन की भावनाओं की, हमारे हृदय के सम्मान की सचिव सरल जी मंच पर आसीन समस्त अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले मेगा कॉल सेंटर के आज उद्घाटन के समय पर सभी जितने लोग उपस्थित हैं, कंपनी के सदस्यों और जो बच्चे या जो इस कॉल सेंटर में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के बारे में जानकारी जो हम तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हालांकि ये कॉल सेंटर मैं बहुत पहले खोलना चाहता था कि सरकार का कोई ना कोई ऐसा इंतजाम हो जहाँ पर जानकारी सीधी सीधी सरकार को मिल जाए। मुझे याद है जब जावेद उस्मानी साहब थे, उस समय भी हमने विचार किया था कि एक बहुत बड़ा मेगा कॉल सेंटर बने जिससे कि सीधा सीधा जनता से जुड़ा जा सके, क्योंकि उस समय जावेद उस्मानी साहब थे, उन्हें लगा कि न जाने कितने कॉल आएंगे और न जाने कितने कॉल करने पड़ेंगे, तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो वो उस समय बहुत देरी से शुरू भी नहीं हुआ और फिर रुक गया था। मुझे खुशी और बधाई देता हूं मैं पुराने अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को और तमाम अधिकारी जो इस योजना से जुड़े रहे कि उन्होंने कम से कम चुनाव से पहले ऐसा कॉल सेंटर तैयार कर दिया है जहां कम से कम सरकार को पूरी जानकारी होगी अपनी तमाम योजनाओं के बारे में। अक्सर ये सरकार के सामने दिक्कत भी है और हमारे सामने भी ये दिक्कत कि अगर जो योजना सरकार चला रही है आम जनता से अगर हम पूछें तो कई बार ये जानकारी मिलती है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई योजना है भी जिससे वो लाभ ले सकते हैं उसकी भी कई बार जानकारी नहीं होती। कुछ दिन पहले, क्योंकि प्रमुख सचिव इस विभाग के भी ये हैं, पर्यावरण के विभाग के भी यही, एक बाघ से घटना हुई, कुछ लोगों की जान चली गई, उन परिवारों को मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को बुलाया था, वो अखबार में भी पूरी कहानी छपी थी। और जब उस परिवार से हमने पूछा कि ये बताओ आपकी मदद कौन कर रहा है, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां बैठे हो, उन्हें उस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने कहा कि तुम शायद मुख्यमंत्री को जानते हो कि नहीं जानते हो, जो आपके सामने बैठा है वो कौन है, वो इतना गरीब परिवार था वो भी नहीं जानता। मैंने उस समय अधिकारियों से कहा कि देखो हम और आप कितनी गलतफहमी में रहते हैं कि हमें सब लोग जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें आपको कोई नहीं जानता। और फिर अगर हमें और आपको कोई नहीं जानता तो सोचो हमारी योजनाओं के बारे में कहां उनको जानकारी होगी। मैं बांदा गया, फतेहपुर गया या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में गया, कई बार वो लोग जानते थे कई बार नहीं जानते। ये अलग बात है कि नई पीढ़ी के लोग एक भी ऐसा नहीं जो हमें ना जानता हो। लेकिन अगर हमने पूछा हो समाजवादी पेंशन पाने वाली महिला को तो शायद वो नहीं जानती थी कि आखिरकार सरकार ने दिया है कि नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले सरकार की योजना है कि तमाम लोगों को हम मदद कर रहे हैं, इलाज के लिए सुविधा दे रहे हैं, कैंसर का या गंभीर बीमारियों में पूरा मुफ्त इलाज है और हमारे कार्यालय से भी मदद लगातार हो। मैंने अपनी कार्यालय से सबको पत्र लिखा, पूरे के पूरे जितने 4-4.5 साल में मदद पहुंचे उनको मैंने पत्र लिखा और सबको जानकारी दी कि हाँ ये सरकार ने मदद की है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको मदद मिली कि नहीं मिली। मुझे खुशी है इस बात की कि 90% लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ सरकार से मदद पहुंची। इसी तरह जब कॉल सेंटर नहीं था, हमारे ऑफिस में आमोद है ये जानते होंगे, उस समय हम लोगों ने नई नई योजना चलाई थी जो गांव में जो हमारे ट्यूबवेल्स लगे थे सोलर पावर,
सोलर वोल्टेज फिल्म के साथ जो लगे थे चुप है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। 90% किसानों ने कहा कि हाँ वो संतुष्ट है और अच्छी योजना है। मेरा मानना है कि जितना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और जितनी हमारी ट्रांसपेरेंट स्कीम होगी या ट्रांसपेरेंट तरीका होगा, मैं समझता हूँ जनता को उतना ही ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लोग बहस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बहस कर रहे हैं कि करप्शन खत्म होना चाहिए। जब से मैं समझता हूँ सरकारें बनी होंगी तब से ये बहस चल रही है करप्शन कम कैसे हो, किस रूप में करप्शन आ जाता कोई नहीं जानता। लेकिन कम से कम समाजवादी लोगों ने अपने 4-4.5 साल में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर करके इस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने का काम किया। मैंने अखबार पढ़ा, विरोधी लोग कुछ भी कहें, समाजवादी पेंशन के बारे में जानकारी दी, अभी कहा कि 90% से ज्यादा लोग संतुष्ट हैं। ये हो सकता है समाजवादी पेंशन बनते समय कोई दिक्कत आ जाए, अगर बनाते समय कहीं कोई गांव में या किसी तरह की दिक्कत आ जाए, बुराई आ जाए, लेकिन एक बार अगर किसी की समाजवादी पेंशन बन गई तो मैं समझता हूँ उसको इस तरह का इंतजाम किया कि दूसरी बार तकलीफ नहीं हो। और ये बड़ी योजना है, 55 लाख महिलाओं को लाभ मिला है सीधा सीधा। लैपटॉप वाली योजना 18 लाख तक बच्चे जिनको लैपटॉप मिला है, और कम से कम समाजवादी ने वो लैपटॉप दिया है कि जो खराब नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन परेशानी विरोधियों किस बात की है कि जो लैपटॉप हमने दिया है आज भी 3-4 साल बाद कोई भी लैपटॉप खोलता है तो उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती है, ये तकलीफ है। तो कम से कम हम अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और कहीं अगर कोई परेशानी है तो कम से कम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और क्या हम बदलाव ला सकते हैं सरकार के स्तर पर उस दिशा में भी काम करें। जो ग्रीवेंसेस की बात है, जो परेशानी की बात है, अगर किसी को तकलीफ है, किसी को शिकायत है, हम तो कहते हैं कि हमारा कॉल सेंटर शिकायत से पहले उनके पास पहुंच रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है समाजवादी लोगों की, हर क्षेत्र में काम किया है, इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाओं का लाभ का अगर हमारे पास डेटा आएगा, और मैं समझता हूँ जो कॉल करने वाले लोग हैं अगर 2 करोड़ कॉल हैं तो शायद चुनाव शुरू हो जाएगा लेकिन हमारे कॉल पूरे नहीं होंगे। चुनाव चल रहा होगा तब भी कॉल जा रहे होंगे, इसलिए हम अपने अधिकारियों से करेंगे अपील कि कोई रास्ता कम से कम ऐसा निकालो, चाहे इन्हें सीट बढ़ानी पड़ जाए, और सीट बढ़ा करके चाहे वो और संख्या में जिसको बढ़ा दें, जिससे कि कम से कम समाजवादी योजनाओं का जो लाभ पा रहे हैं उनकी सूचना हम लोगों तक पहुंच जाए। और आने वाले समय में तो हमने कह दिया कि स्मार्टफोन, तो समझ लो कॉल सेंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्टफोन एक बार लोगों के हाथ में आ गया, एक कदम आगे समाजवादी लोग चल रहे हैं। अब पूछो विरोधी लोगों से, एक पत्थर वाली सरकार, लखनऊ में पत्थर लगा दिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा कि हम उनका भी विचार आया है कुछ हमारी सरकार पर, उन्होंने भी कुछ अच्छे विचार दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं उनके काम। और हाथी याद दिलाते हैं, हाथी इसलिए याद दिलाते हैं उनकी कीमतें कितने की थी, और हाथी ऐसे लगाए जो बैठे के बैठे हैं, खड़े के खड़े हैं, खड़े वाला बैठा नहीं, बैठा वाला अभी तक नहीं खड़ा हुआ, तो समझ लो उनकी याद कैसी है। और जो बीजेपी वाले लोग अच्छे दिन वाले, मैंने कई बार लैपटॉप आने वालों से पूछा, कल भी मैंने गाजीपुर में पूछा, जब मैं गाजीपुर था जिन बच्चों को मैं लैपटॉप दे रहा था, मैं कह रहा था कि मैं ये बताओ बीजेपी के लोग तो कह रहे ये खराब चीज है, ये तो बेकार चीज है। बोले साहब कुछ जो उसने कहा मैं कह नहीं सकता माइक से, जो उस बच्चे ने कहा वो माइक से मैं नहीं कह सकता, इसलिए अच्छे दिन वालों को सोचना पड़ेगा क्या आखिरकार जो सबने दिखाए थे जो बातें कही थी, और डिजिटल इंडिया कैसे होगा, मैं पूछना चाहता हूँ डिजिटल इंडिया आखिरकार कैसे होगा। ये हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते होंगे डिजिटल इंडिया कैसे हो सकता है, वो बहुत दूरी है उसमें। इसे मेगा कॉल सेंटर के मौके पर मैं अपने पत्रकार साथी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि कभी कभी उनकी खबर से हमें जानकारी मिलती है, ये कॉल सेंटर हमें बड़े पैमाने पर जानकारी देता है, और सरकार उसमें क्या सुधार कर सकती है उस दिशा में भी काम करेगी। ये कॉल सेंटर में जितने भी काम करने वाले जितने भी नौजवान छात्र हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ, कम से कम उन्होंने शुरू किया है, ये ऐसी लगातार कार्य होता रहे जिससे कि हम सीधा सीधा जनता से जुड़ सकें और जनता का जो फीडबैक है वो सरकार तक पहुँच सके। मैं इस मौके पर आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।